आज डिस्कस करेंगे हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के बारे में। हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट क्या होता है और इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बोल्ट के बारे में। बोल्ट होता क्या है? बोल्ट एक तरह की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसके एक तरफ हेड होता है। ये जो हेड है ये हमारा सर्कुलर हो सकता है, स्केयर हो सकता है, हेक्सागोनल शेप का हो सकता है और दूसरी तरफ इसके थ्रेड कटे होते हैं। इन थ्रेड के ऊपर हमारा नट मूव करता है जिससे बोल्ट और नट की असेंबली के साथ हम किसी भी चीज को अच्छी तरह से होल्ड कर सकते हैं। तो बोल्ट और नट की असेंबली का यूज करके हम किसी भी चीज को होल्ड करते हैं, तो दोनों ये उस काम आते हैं। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था हेक्सागोनल नट के बारे में। जो हेक्सागोनल नट है वो इस तरह का हमारा होता है जिसके 6 फेस होते हैं, तो वो इस तरह का दिखाई देता है। 3 फेस फ्रंट में होते हैं, इसी तरह से 3 फेस पीछे होते हैं। इसी तरह से ही हेक्सागोनल जो हेड है उसके भी 6 फेस होते हैं। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ नोमेनक्लेचर और स्पेसिफिकेशंस उसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के साथ। तो सबसे पहले हम एक जनरल व्यू ड्रा कर लेते हैं हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट का। तो वो इस तरह का होता है, ये है हेक्सागोनल हेड। ये जो बीच में है ये होता है डी, मींस जो डायमीटर होता है इस सिलेंड्रिकल रोड का, ये है डी। इसका भी सेम होगा और ये भी सेम होगा डी। ये जो पोर्शन है ये होता है डी का हाफ, जो ऊपर वाला पोर्शन है, और जो ये नीचे वाला है ये भी होगा डी का हाफ। तो टोटल अगर हम इसका डायमीटर लगाएं तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 2D। और जो इसकी थिकनेस होती है यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी थिकनेस है जो हेड है बोल्ट का, वो होती है 0.7D से 0.8D तक हम लेते हैं। उसके दूसरे कॉर्नर पे जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड इस रोड के थ्रेड कटे होते हैं, ये थ्रेड लाइंस हैं, इसको बोलते हैं हम थ्रेड लेंथ। इतने को बोलते हैं थ्रेड लेंथ और इसको हम डिनोट करते हैं L1 से। इसकी स्पेसिफिकेशन होती है 2D+6 अगर हमारी जो बोल्ट की लेंथ है वो 150 mm तक हो। अगर ये ज्यादा है 150 mm से तो हम इसको ले लेते हैं 2D+12। वैसे जनरली हम 2D का ही यूज कर लेते हैं। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन होती है थ्रेड लेंथ की। इस हेड से लेके यहां से और लास्ट तक, इस थ्रेड तक जो जहां पे खत्म होगा, इसको बोलते हैं बोल्ट लेंथ। बोल्ट लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल के साथ। तो डी भी हमें ये प्रॉब्लम में दिया होता है और बोल्ट लेंथ भी हमें प्रॉब्लम में दी होती है। तो इनको पुट करके हम कोई भी जो हेक्सागोनल बोल्ट है उसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये है इसकी स्पेसिफिकेशन। ये जो है चैम्फर हम लेते हैं 30 डिग्री, ये हमने पीछे नट में भी डिस्कस किया था हेक्सागोनल में। तो ये चैम्फर हम 30 डिग्री लेते हैं और जो ये रेडियस है चैम्फर की रेडियस है ये कितनी हम लेते हैं, ये लेते हैं हम 1.5D। यहाँ पर कार 1.5D की खोल लेंगे और ये गोलाई हम देते हैं 1.5D की। तो इस तरह से फ्रंट व्यू हम उसका ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इसका टॉप व्यू ड्रा करते हैं तो वो किस तरह का होगा? यहाँ पे जो हेड है उसके जो फेस बनेंगे वो सिर्फ 2 बनेंगे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2 बनेंगे। और ये होगा हमारा, इसको हम बोलते हैं AF, विड्थ अक्रॉस फ्लैट्स। विड्थ अक्रॉस फ्लैट हम कितना लेते हैं? 1.5D। 1.5D+3 भी हम इसको ले सकते हैं लेकिन जनरली हम लेते हैं 1.5D। तो ये 1.5D का बनेगा।
और इसके बीचों बीच एक लाइन लगा के हम ये दोनों फेस ड्रा कर लेंगे। डी जो है डायमीटर वो सेम रहेगा जो ऊपर था, और लेंथ भी बोल्ट की सेम रहेगी, थ्रेड लेंथ भी सेम रहेगी, और सारी चीजें सेम रहेंगी। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस होगा इसकी जो हाइट है, इसके अंदर थिकनेस भी सेम रहेगी। तो इस तरह से इसका टॉप व्यू ड्रा हो जाएगा। और अगर इसके साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू जो इसका ड्रा होगा वो किस तरह का होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर लाइन को एक्सटेंड करेंगे, और जो ये डी है, डी डायमीटर का सर्कल हम लगा लेंगे, ये जो डी है। उसके बाद विड्थ अक्रॉस फ्लैट का हम सर्कल लगाते हैं, वो है 1.5D या फिर 1.5D+3, कोई भी आप जो डायमेंशन लेते हैं यहाँ पे उसका सर्कल लगेगा। तो दूसरा सर्कल हम ये बड़े वाला जो 1.5D+3 का है, ये तो है डी, और ये कितना है 1.5D+3 या फिर 1.5D, जितनी भी आपने यहाँ विड्थ अक्रॉस फ्लैट ली है, तो ये बड़ा सर्कल उसका लगेगा। उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन आप ले लेंगे, जो बिल्कुल इसकी थिकनेस जो इसकी हाइट है वो 2D है, मान लीजिए यहाँ पे है और यहाँ पे कट करती है, इस तरह से प्रोजेक्शन आप ले लेंगे। और यहाँ पे टेंजेंट करके बिल्कुल इसके ये इसका ऊपर वाला पोर्शन ड्रा हो जाएगा। ये जो है हेक्सागोनल नट का साइड व्यू होगा। इस पॉइंट पे ये इसकी प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगी, और इस पॉइंट पे इसकी प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगी। फिर हम इसको टेंजेंट लेने के बाद इसके 6 फेस ड्रा कर लेंगे। तो ये है इसके 6 फेस अगर हम साइड व्यू से देखें। तो ये तो है फ्रंट व्यू, ये है टॉप व्यू, और ये है हम लेफ्ट से देख रहे हैं और राइट के अंदर ड्रा कर रहे हैं, ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की। तो इस तरह से हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट के हम तीनों व्यू ड्रा कर सकते हैं इन स्पेसिफिकेशंस के थ्रू। वो हम आगे ड्रा करेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे कि हम हेक्सागोनल बोल्ट को नट के साथ कैसे फिट करते हैं। तो ये थी हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट की कुछ स्पेसिफिकेशन और उसका फ्रंट टॉप और साइड व्यू। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।